किस्म खाना बहुत लोग से खाना स्पेशल सर बनता है। झींगा मिल रहा है झींगा दसों रो झींगे कदुआ मिल रहा है कदुए रोटी या तो साफ जल्ले होगा और नहीं तो रोटी कच्चा है या कच्चा है या तो साफ जल फला रात नहीं खाए रात को हम चूरा चुरा करके रह जाते हैं तो रोटी हम लेकर कैदी ने खोलती जेल में व्यवस्था की पोल। जज के सामने कैदी ने बता दी कुव्यवस्था का हाल। सरकारी पैसे की लूट, पेट काटकर पेट भरने का खेल। जज के सामने एक कैदी ने जेल में व्यवस्था की पोल खोल दी। न्याय की मूर्ति के सामने लूट खसोट की पूरी पोल पट्टी रख दी। मामला बेगूसराय का है जहां कोर्ट में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब जेल में बंद एक कैदी ने न्यायाधीश के सामने न केवल जेल के खान पान की पोल खोली बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कैदी जेल से खाने में मिली जली रोटी लेकर बेगूसराय कोर्ट पहुंचा था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सतीश झा के सामने कैदी ने गुहार लगाई, आप बीती सुनाई। रोटी लेकर पहुंचे वीरपुर थाना क्षेत्र के हामोडीह निवासी कैदी रामजपो यादव ने जेल में दिए जा रहे खाने को घटिया बताया, न्यायालय से पहल करने की मांग की। कैदी ने जज के सामने सारी हकीकत रखी तो वहीं बताया कि जेल से अधिकारी के जाते ही पिटाई होनी तय रहती है। मिली जानकारी के अनुसार रामजपो यादव के पुत्र चंदन कुमार ने जेल में घटिया खाना एवं समुचित इलाज नहीं मिलने को लेकर बेगूसराय सीजीएम न्यायालय में जेल अधीक्षक समेत कई जेल कर्मियों पर परिवारवाद पत्र दाखिल किया है जिस पर सुनवाई चल रही है। इधर रामजपो यादव का एडीजे पंचम के न्यायालय में हाजिरी थी और जेल से न्यायालय लाया गया था। इस दौरान सबूत के लिए जेल से जली रोटी लेकर वो आए थे। फिलहाल रामजपो के इस हिम्मत के कारण कोर्ट से लेकर जेल तक हड़कंप मच गया है। जिवेश तरुण बेगूसराय।